नमस्कार दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। अब सबसे पहले भगोने में रखेंगे पानी गर्म होने को। गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम में कर लेंगे। इसमें मैंने 1 लीटर के आसपास पानी डाला है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1/4 चम्मच से भी कम। पानी को ढक देंगे जिसे जल्दी से बॉयल हो जाए। अब पानी बॉयल होने लगा है, अब इसमें डाल देंगे स्वीट कॉर्न। ये स्वीट कॉर्न मैंने 2 कप लिया है नाप करके। आप स्वीट कॉर्न अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस समय गैस को मीडियम फ्लेम में कर लेंगे। अब इसको बॉयल होने देंगे लगभग 5 से 7 मिनट तक। स्वीट कॉर्न जब भी आपको बनाना हो तो मार्केट से ले आइए, आसानी से मिल जाएगा। मॉल में या जनरल स्टोर में आसानी से पैकेट में मिलता है, क्योंकि मार्केट में जो स्वीट कॉर्न मिलता है बहुत महंगा मिलता है। एक छोटा सा कप देते हैं 50 रुपये का, 60 रुपये का या 70 रुपये का, जैसे छोटा बड़ा कप रहता है, लेकिन बहुत थोड़ा रहता है उसमें। आप इसको घर में ले आइए और आसानी से बना पाएंगे। अब इसको बॉयल होने देते हैं। बच्चों की ये फेवरेट रेसिपी है, इसको आप घर में बनाएंगे तो कम बजट में बन जाएगा और ढेर सारा तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे बॉयल होगा वैसे वैसे पानी के ऊपर तैरने लगेगा। ये देखिए, बीच बीच में इसको बराबर से हिला देंगे जिससे बराबर से पक जाए। अब 7 मिनट हो गए हैं, ये कॉर्न अच्छे से बॉयल हो गया है। ये देखिए पूरा ऊपर आ गया है। अगर आपको फिर भी लगे कि ये कच्चा लग रहा है तो आप थोड़ा सा निकाल करके 1-2 पीस इसको टेस्ट करके देख लीजिए, खाने से पता चल जाता है। अभी अच्छे से बॉयल हो गया है, अब गैस को ऑफ कर देंगे। इसको एक छन्नी में बाहर निकाल लेते हैं। इसको गरम गरम ही बनाना है, तुरंत छान के इसको गरम गरम बनाएंगे जिससे खाने में टेस्टी लगे। अब एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, इसमें स्वीट कॉर्न को डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के आसपास डाल देंगे चाट मसाला, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसको ज़रूर डालिएगा। 1/4 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे कलर बहुत अच्छा आएगा। मैं मार्केट जैसा बना रही हूँ इसलिए डाल रही हूँ, अगर आपको ना डालना हो तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए बहुत थोड़ा सा डाल देंगे चिली फ्लेक्स, अगर बच्चों को बनाइए तो बिल्कुल मत डालिएगा। काश्मीरी लाल मिर्च से ही हो जाएगा क्योंकि वो कम तीखा होता है और काली मिर्च भी थोड़ी सी तीखी होती है। काला नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, काला नमक से ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ डालेंगे नींबू का रस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आधा से कम डाल लीजिए। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें आप और भी सामग्री डाल सकते हैं, जैसे थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, लेकिन मैंने मार्केट जैसा बनाया है इसलिए मैंने इतनी ही सामग्री डाली है। 1 चम्मच बटर डाल दीजिए, उससे और अच्छा टेस्ट हो जाता है। ये स्वीट कॉर्न इतने मसालों के साथ ही बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको सर्व कर लेते हैं। वैसे तो आप किसी में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन बाजार जैसे लुक लाने के लिए कप में सर्व कर लेते हैं। अब बाजार जैसे बनाया है तो बाजार वाले चम्मच भी ले लेते हैं। ये बिल्कुल मार्केट जैसे स्वीट कॉर्न बनके तैयार हैं। एक बार मेरे तरीके से आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।